थे पति तो पैसा मिला वो नहीं नहीं मिला वो नहीं मिला नरेगा में काम नरेगा में काम करते है 100 दिन मिल गया पूरा नहीं मेटो को तो मिलते हैं मेटो को मिलते हैं आप मेट मेट रहे हो मेट ही हूँ मैं 5 साल से मेट रहती हूँ तो आप नरेगा में समस्या क्या आ रही है नरेगा में ये समस्या आ रही है कि हाजिरी लेने के बाद हाजिरी अपलोड नहीं होती है इसलिए पहाड़ों पे घूम घूम के हाजिरी अपलोड करनी पड़ती है और तो भी अपलोड नहीं होती तो मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है तो यही NMMS वाली बात है जो यहाँ आके पीड़ादायक की स्थिति है सबसे बड़ा बच्चा सबसे बड़ा 12 साल की बच्ची और सबसे छोटी 4 साल की थी तब ये इसको साथ लाए हो 4 महीने की थी तब ओप्पो किया ऐसी महीना है क्यों लड़ रहे हैं हम नरेगा के लिए इसीलिए लड़ रहे हैं कि सरकार क्या करना चाहती है ये बच्ची है इनको इनको ये इसकी बच्ची ये बैठी लक्ष्मी ये इसके 4-5 बच्चे विधवा है सिरोही की इनको कुछ समझ में नहीं आता इनको एक ही समझ में आता है कि हम जो कहेंगे ऑनलाइन 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 अरे ऑफलाइन भी तो कर लो ऑनलाइन हाजिरी नहीं आए तो ऑफलाइन से ठीक करो दोनों सिस्टम खत्म ऑफलाइन खत्म ऑनलाइन ही होगा चाहे तुम मरो चाहे कुछ भी हो हम ऑनलाइन के अलावा कुछ नहीं करेंगे तो ये अपने दर्द बखान करें हमको समझना है जरूरी हमको समझना है कि सरकार किस जंत पे अड़ जाती है कि हम पूरा ऑनलाइन करेंगे तो सिल्कोसिस का नाम लेते मेरा कान खड़ा हो जाता है कि सिल्कोसिस आज भी अभी इसके पति के जब जिंदा था उस नहीं मिलने के पीछे कारण क्या था आपका पति जिंदा था तो 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिले सरकार तो कहती है देंगे नहीं क्यों नहीं मिला कागज नहीं करवाए थे ऑनलाइन तो किया था ऑनलाइन नहीं वो चढ़ाया था लेकिन वो सर्टिफिकेट ये केस भी ये और ये दोनों केस प्रमाणीकरण नहीं हुआ हाँ कल सरकार को भेजना है ये 4 महीने की थी तब ओप हो गया है तुम्हारा नाम क्या है सच में ये आप उस इलाके में चले जाओ ना सिरोही में जाके देखो यार ये राम मंदिर की बड़ी बात करते हैं ये राम मंदिर की ईंटें वहाँ तैयार हो रही है राम मंदिर के पत्थर वहाँ तैयार हो रहे हैं और वो पत्थर इनको मौत दे रहा है पूरे मंदिर के पत्थर वहीं तैयार हुए हैं मंदिर के पत्थर वहाँ तैयार हो रहे हैं और वो मंदिर क्या दे रहा है वो आप समझ पा रहे हैं जिंदगी नहीं मौत और जिसकी बात करते हैं हम भगवान यार उस मंदिर में नहीं है।